नमस्ते। आज हम बनाएंगे चिप्स, जो एक साल तक हम आराम से इसको खा सकते हैं बना के रख के। तो चलिए, पहले तो हम रखेंगे पानी उबलने के लिए, फिर इसको हम काटेंगे इसमें। तो पहले हम पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, मैंने एक पतीली लिया है। आप जितना भी चिप्स बनाएंगे उस हिसाब से आप पतीली रख सकते हैं, और मैंने सिल्वर की ली है, आप चाहे तो स्टील की भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी 4-5 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि मुझे 4 आलू का ही बनाना है। तो मैं 4-5 गिलास ही डालूंगी आलू, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब इसको हम ढक देते हैं। पानी ले लिया इसमें, और पानी रख के ही आपको ये चिप्स काटने हैं। और मेरे पास इस तरीके से कटर है, मैं इसी से काटूंगी। तो एक बार आप सेट कर लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, नहीं तो चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो एक दो बार आप चेक कर सकते हैं कि कैसा आपको लेना है आलू। तो देखिए, मैंने ऐसे करके आपको, एक बार जब ये सेट हो जाएगा तो आपके चिप्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए, जितना चाहिए उतना ही मोटा हमने लिया है। और मैं इसी पानी में 4 आलू का चिप्स काट लूँगी। तो चलिए, सारे आलू काट लेते हैं हम पहले। तो देखिए, हमारा ये पानी उबल रहा है, मैंने इतना नमक डाला है इसके अंदर, और खाने वाला सेंधा नमक है। आप चाहें तो रेगुलर जो खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, पर सेंधा नमक से ये क्या होगा कि आप इसको बर्फ में भी खा सकते हैं भून के। और देखिए, ये खाने वाला सोडा चुटकी से 5 चुटकी है ये, अब जिसे मीठा सोडा बोलते हैं इसको भी हम इसमें डाल देंगे। पानी खोल रहा है उस तरीके से। देखिए, मैंने 4 आलू में देखिए इतना सारा ये चिप्स बन के तैयार हो गया हमारा। और जब तक आपको इस पानी में से नहीं निकालना है, जब तक आप सबको उबाल ना लें इसको, जब जब बनाएंगे आप पानी में ही डूबे रहना है चिप्स को। और हम इसमें से जितनी ज़रूरत होगी उतना हम निकाल के, और इस खोलते हुए पानी में हम एक एक करके इसे छोड़ देंगे। जिसमें इसमें आसानी से जितना उबाल आ जाए उतना ही हम इसके अंदर डालेंगे इसको। तो देखिए, मैंने गैस को तेज ही रखा है अभी, क्योंकि हमारा ये जो ठंडे पानी में से जब ये गया है तो बहुत ठंडा हो गया है। और इसको थोड़ा सा ढक देंगे जिससे पानी जल्दी उबाल आ जाएगा, और पक जाएगा तो मैं बताऊँगी कितना पके पे इसको उतारना है आपको। तो देखिए, मेरे पास एक वाइट कट्टा था तो मैंने वही ले लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे प्लास्टिक की पन्नी भी ले सकती हैं, और नहीं तो ऐसे प्लेट ले लीजिए और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और इसी के ऊपर फैला लीजिए। तो आप बालकनी में, छत पे, कहीं भी, पहले तो आप ये गीला ही रहेगा तो इसको ढक के सुखाएगा ताकि इस पर रेत मिट्टी उड़ के ना आए। तो मैंने ये किया है। और अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो टेलीकॉट का कपड़ा आपको यूज़ करना है, कॉटन का नहीं करना है। तो देखिए, मैंने ये मीडियम गैस रखा है, स्लो करके कर दिया है, मैंने मीडियम पे ही रखा है ये। और इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, 1 से 2 उबाल में हो जाते हैं ये चिप्स। तो देखिए, हम दबा के देखेंगे इसको। ये देखिए, बहुत आराम से ये टूटने लग रहा है। तो ये हो गया है हमारा, ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो सारे टूट जाएंगे फैलाते समय। तो चलिए, इसको निकालते हैं। निकाल दिया इसमें से, और जो बाकी बचा है ये मेरा, वो हम सारा इसी में डाल देंगे। अगर आपका ज़्यादा है तभी आप खाने वाला सोडा और नमक दोबारा यूज़ कीजिए, नहीं तो आप थोड़े से बना रहे हैं तो एक बार में ही हो जाएगा ये जितना आपने नमक और बेकिंग सोडा खाने वाला डाला है। इसको भी हम डाल के ढक देंगे। और चिप्स काटने के बाद आपको 2 से 3 बार काटने के बाद ही धोना है इसको अच्छे से, जिसमें से इसमें जितना भी इसमें से गाज होता है वो निकल जाएगा। फिर इसको हम ढक देंगे, बस 2 उबाल में ये भी पक जाएगा हमारा। तो चलिए, दिखाते हैं जो हमने निकाला है। कॉर्ड का कपड़ा लीजिए, किसी भी चुन्नी को साफ हो ले लीजिए, लेकिन कॉटन का कपड़ा नहीं यूज़ करना, क्योंकि सूखने के बाद वो छूटता नहीं है चिप्स उसके ऊपर से। और देखिए, मैं ऐसा करके सारा इसी में फैला दूँगी, 2 दिन में ये सूख जाएगा, धूप है बहुत तेज़। तो ऐसे करके हम सारा फैला देंगे ये चिप्सों को, मैं ऐसे ही सारा फैला दूँगी। और एक मैंने प्लेट लिया है, अगर आपके पास कट्टा या कपड़ा ना हो तो ऐसे प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इसी में सारा आप फैला लीजिए एक तरफ से। तो देखिए, मैंने गैस को बंद कर दिया है और ये भी हमारा हो गया है। और आप थोड़ा थोड़ा ही डाल के बनाएं, क्योंकि बेकिंग सोडा जब पड़ जाता है तो आलू बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और 2-2 मिनट पर आप चेक कर लें कि आपका आलू हुआ है कि नहीं हुआ है, वैसे 2 मिनट में चिप्स हो जाता है। तो देखिए, मैंने एक तो इस कट्टे पे फैला दिया है, इसको हम साइड कर देंगे। और एक ले लिया मैंने, इसमें ऐसे फैला देंगे इसको। और आप थोड़ा सा टाइट ही रहे तो उतारिए, नहीं तो निकालते निकालते भी ओवर कुक हो जाता है ये चिप्स।
और ऐसे हम सारा फैला के धूप में सुखा लेंगे। इस पर एक कपड़ा फैला देंगे जिसमें से धूल ना जाए। हाँ, तो सूखने के बाद अब भुनने पे दिखाएंगे कि कैसे कितना ये हमारा चिप्स अच्छा बनता है। तो हमने चिप्स काटे थे, ये सूख गया है और मैंने आपको दिखा भी दिया, ये टूटा नहीं है। और अब इसको हम फ्राई करके दिखाएंगे कि कैसे अच्छे से फूलता है। और इसे एक महीने या एक साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बस बीच बीच में धूप दिखाते रहिए, फिर डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। तो चलिए इसको भूनते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है, मैंने कढ़ाई पहले ही रखा था गरम होने के लिए। जब तक हम डाल के देख लेंगे कि गरम है कि नहीं हमारी कढ़ाई। तो देखिए कढ़ाई हमारी गरम है, थोड़ा करके हम चलिए भूनते हैं इसको। ये देखिए, तो देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हमारे ये भून के। तो ऐसे ही हम सारे चिप्सों को भून के निकाल लेंगे। देखिए तो हमारा ये चिप्स भून के तैयार है और बहुत ही इजी तरीके से। बस जो खाने वाला सोडा है ज़्यादा यूज़ नहीं करिएगा, बस एक से दो चुटकी यूज़ करना है आपको पूरे पतीली में। और ऐसे ही आप इसको एक साल तक स्टोर करके, एक दो साल तक चल सकते हैं आप, बीच बीच में धूप दिखाते रहिए और इसको यूज़ कीजिए। और बिल्कुल ये देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वैसे, बिल्कुल देखिए बिल्कुल टूटता हुआ है, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है। और बनाइए और घर पर खाइए और बताइए कैसा बना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।